तो लगभग लगभग सभी एवेंजर्स की मैंने गाड़ियां और बाइकें चुरा लिए भाई। फिर भी कुछ एवेंजर्स बाकी रहते हैं, लेकिन उसी बीच बीच में आ गया हल्कबस्टर। अब तुम लोग सोच रहे हो कि भाई हल्कबस्टर की तो चुरा ली थी। नहीं भाई, वो वाला हल्कबस्टर नहीं, ये है हल्कबस्टर माइनस यानी येलो हल्कबस्टर, और वो आ रखा भाई लॉस एंजेलोस में। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि भाई एवेंजर्स के साथ पंगे क्या हो रखे हैं। कोई एक एवेंजर जाता है तो कोई एक आता है, कोई फिर एक और जाता है तो फिर कोई एक आता है, और जब भी आते हैं अकेले ही आते हैं। वैसे जो भी हो, मैं इस चीज़ की शिकायत क्यों कर रहा हूँ यार, मेरा तो फायदा ही है, इससे आसान हो जाता है वैसे भी इनकी गाड़ी और बाइकें चुराना। तो सिंपली आज मैं चुराने वाला हूँ गाइस हल्कबस्टर, येलो हल्कबस्टर की बाइक, और देखते हैं क्या स्पेशल है येलो हल्कबस्टर की बाइक में। वैसे मैंने जहाँ तक सुना है, लोग कह रहे थे भाई येलो हल्कबस्टर की जो बाइक है वो पानी पे भी चल सकती है। अब पता नहीं है कितनी रियलिटी है और कितना फेक है इस चीज में, बट कुछ ना कुछ तो स्पेशलिटी होगी भाई, भले ही पानी पे चले या ना चले, लेकिन कुछ ना कुछ तो स्पेशल चीज होगी ही उस बाइक में। तो आज चुराते हैं चलो येलो हल्कबस्टर की बाइक। फिलहाल अभी नहीं चुराने वाला मैं, रात का इंतजार करते हैं, क्योंकि हो सकता है सिक्योरिटी विक्योरिटी भी हो, तो रात को थोड़ा आसान रहता है सिक्योरिटी से बच के जाना। रात को देखेंगे गाइस क्या करने हमें आगे। बाकी हाँ, एक काम करता हूँ, थोड़ा मास्क वास्क खरीद के आ जाता हूँ भाई। ऐसे डायरेक्ट अपनी शक्ल चमकाते हुए चला जाऊंगा मैं, और मान लो पकड़ा गया तो पंगे नीचे मेरे को, इसलिए जाते हैं मास्क लेके आते हैं। एटलीस्ट कम से कम अगर कोई चांस रहा मेरे पकड़े जाने का, तो मेरी शक्ल तो नहीं देख पाएंगे वो लोग, और मैं भाग तो सकता हूँ एटलीस्ट। तो चलो मास्क पहन के आते हैं। ओके, तो मैंने एक पिग वाला मास्क पहन लिया है। यस, पिग वाला। कैसा लग रहा हूँ यार मैं, अजीबो गरीब सा। रुक जाओ, तुम लोगों को मैं अपना मास्क दिखाता हूँ। तो ये है मेरा मास्क, बिल्कुल एकदम डरावना सा। हेलो ट्रक वाले भाई, डरावना सा नहीं लग रहा भाई? है, जरा बताओगे सर? अब चला गया साइड में से। ओके, चलते हैं गाइस अपने मिशन की तरफ, और मिशन है हमारा हल्कबस्टर की, येलो हल्कबस्टर की बाइक चुराना। इसी वाली गाड़ी की टेल लाइट बड़ी मस्त लग रही है, लेकिन गाड़ी बेकार है, छोड़ो उसे भाई। आज रात को भी इतना ट्रैफिक क्यों है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। कुछ होने वाला है क्या लॉस सैंटोस में? कुछ मेला वेला फेयर वेयर है क्या? कुछ पता नहीं भाई, इतना ट्रैफिक क्यों है इस सड़क पे, वो भी इतनी रात को। रात के मैं तुम लोग बताता हूँ कितने बज रहे हैं। रात को बज रहे हैं गाइस 22, मतलब रात के बज रहे हैं गाइस लगभग 10:45 मान लो तुम लोग, रात के 10:45। कोई बात होती है ये, फिर भी इतना ट्रैफिक। मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा और वेट करता हूँ, थोड़ा ट्रैफिक कम होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद चलेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा था, रात हो चुकी है और ट्रैफिक बिल्कुल ख़त्म सा हो चुका है, और मैंने गाड़ी की मतलब साइकिल की हेडलाइट क्यों जला रखी थी भाई। तो ये है अपने एवेंजर्स का घर, बट आज एक छोटी सी प्रॉब्लम है गाइज। येलो हल्कबस्टर जो है वो तो डेफिनेटली अंदर है, मुझे दिख गया वो दूर से, लेकिन प्रॉब्लम की बात बताऊँ क्या है भाई, आज बहुत सारे पुलिस वाले हैं यहाँ पे। एक आदमी भाई, बहुत सारे। तुम लोगों को मैं खुद दिखाता हूँ, ये देखो अंदर तुम्हें 3-4 दिख रहे हैं यहीं से ही, ठीक है? ये देखो, एक यहाँ पर है साइड में, एक यहाँ पर है, एक फिर वो देखो नीचे, दो है बल्कि नीचे। भाई आज तो फुल एकदम सिक्योरिटी टाइट कर रखी है इस येलो हल्कबस्टर ने, और टेंशन हो रही है भाई। आगे से तो डेफिनेटली मैं नहीं जा सकता, और आई होप पीछे से भी उसने पुलिस वाले लगा रखे होंगे। ये देखो दो दो पुलिस वाले हैं भाई। नहीं, आगे से जाना पाना तो बिल्कुल नामुमकिन है, और साइड से भी नहीं जा सकता। कुछ और ही तरीका ढूंढना पड़ेगा मुझे, लेकिन क्या करूँ। अरे यार, कहाँ घासों में फंस गया। वेट, ओके, आइडिया। मैं एक काम कर सकता हूँ गाइस, मैं घास बन के जा सकता हूँ क्या? है भाई, समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब? इनमें से कोई घास उठा के और उसको अपने चारों तरफ लपेट के और अंधेरे में चला जाऊंगा धीरे धीरे, क्या ही पता चल रहा है उन लोगों को। हाँ, मैं यही करने वाला हूँ। चलो भाई करते हैं। कुछ ज़्यादा ही घास नहीं लपेट ली यार मैंने अपने चारों तरफ? थोड़ी कम ही घास लपेटनी चाहिए थी, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया। चलो कोई नहीं भाई, वो बंदे देखेंगे नहीं। जितनी ज़्यादा घास उतना कम चांस होगा पकड़े जाने का, लेकिन कुछ दिखना भी तो चाहिए भाई घास बन के, मुझे ही नहीं दिख रहा कुछ भी। किधर जाऊँ मैं? ओके, घास बन के मैं ऊपर की तरफ आ चुका हूँ गाइस। बिल्कुल धीरे से चुपके से ये जो एवेंजर्स के घर की घास है उसमें मिल जाते हैं। अब तुम लोग ऑब्वियसली सोच रहे होगे भाई कि ये हिलती हुई घास नहीं दिख रही क्या भाई इन पुलिस वालों को? दिख रही होगी भाई, लेकिन वो लोग नींद में। रात के कितने बजे? रुक जाओ मैं बताता हूँ तुम्हें, रात के भाई 2 बजने वाला है। कौन बंदा जगता है रात को 2 बजे? इसलिए वो नींद में होंगे, और उन्हें दिख भी रहा होगा तो उन्हें लग रहा होगा सपना वपना देख रहे हैं वो लोग। इसलिए बिल्कुल चुपके से मैं जा सकता हूँ बिल्कुल आराम से, और बस यहाँ तक एक बार चला गया मैं बस। इसके बाद थोड़ी आगे का जो रास्ता है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मुझे घास बने बने इन घासों में दौड़ते रहना है बस। बहुत ही बढ़िया, ऐसे आगे बढ़ते चले जाएंगे और पहुंच जाएंगे हल्कबस्टर की बाइक जहाँ पर
अरे वहां पर आई गेस इधर पुलिस वाले नहीं है। हाँ हाँ चलो घास को अब हटा देते हैं। ओके घास मैंने रिमूव कर दिया, बहुत ही बढ़िया। अभी जल्दी से चलते हैं। नहीं है नहीं है नहीं है, बहुत ही बढ़िया। मैंने दूर से ही हलबश्र को भी देख लिया था गाइज। हलबश्र कहाँ है मेरे को ये भी पता है। अब बाइक नहीं पता मुझे कहाँ है, लेकिन ऑब्वियसली हलबश्र जहाँ पर है बाइक भी वहीं पर होगी। तो चलते हैं अभी। ओके इधर आराम से जल्दी तेजी में भाई, बहुत ही तेजी में निकलते हैं। नहीं है भाई इधर पुलिस वाले। चलो कोई नहीं, मेरी ये झाड़ियों वाला भी तरीका काम आया एकदम मस्त। ओके अब मैं बताता हूँ हलबश्र कहाँ है। यहाँ से हम लोग जाएंगे ऊपर वाले फ्लोर पर, और ऊपर वाले फ्लोर पर जाने की सीढ़ियाँ है यहाँ से। तो ये रही सीढ़ियाँ, चलते हैं बिल्कुल ऊपर वाले फ्लोर पर। यहाँ से हमें अब जाना है गाइस बालकनी में। इधर कोई भी नहीं है, एवेंजर सारे घर से बाहर हैं, तो बस अभी हमें बालकनी में जाना है, सिंपली बालकनी। अरे ये नहीं है बालकनी। बालकनी का रास्ता कहाँ से है भाई? बालकनी का रास्ता कहाँ से है? बालकनी का रास्ता, अबे यार रास्ता ही नहीं पता मेरे को उसका। तो बालकनी का इधर से है क्या? ओ यस इधर से ही तो है। अब हलबश्र कहाँ है ये देखना पड़ेगा। इधर तो ऑब्वियसली नहीं है। कहाँ है, कहाँ ये हलबश्र का बच्चा? इधर तो नजर नहीं आ रहा भाई। आगे की तरफ चलते हैं। ओए वेट, ओ वो रहा, दिख रहा है गाइस मुझे। अबे वो नीचे वाली बालकनी पे ही है यार। मेरे को इतना तो पता चल गया था कि वो बालकनी में है, लेकिन नीचे वाली की ऊपर वाली ये नहीं पता चला था। फिलहाल नीचे वाली में और मैं उसे ऊपर ढूंढ रहा हूँ। वो रहा, वो देखो गाइस हलबश्र, येलो हलबश्र। और ये इसकी तगड़ी सी बाइक, चुपके से चुपके से चुपके से आराम से बैठते हैं और भगाते हैं। आराम से बैठते हैं, भगाते हैं आराम से। बस बस आवाज़ नहीं आ रहा, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं, आवाज़ नहीं। हेडलाइट, हेडलाइट बंद बंद बंद। ओके शांति से जल्दी से जल्दी से। बस बहुत ही बढ़िया, बस 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 निकल जाऊँगा निकल जाऊँगा निकल जाऊँगा मैं। ओके 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 आराम से। ओके जल्दी जल्दी जल्दी। अरे इधर से, अरे किधर फंस गया? 5 स्टार की पुलिस भी लग गई इतनी जल्दी। यार ये तो फंस गया मैं, यार फंस गया मैं सीरियसली में। मैं कहाँ से जाऊँ? इतनी बड़ी ये दीवारें नहीं जंप कर पा रही भाई ये बाइक। ओह नो। ओके 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 वेट 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 वेट, जल्दबाजी नहीं, आराम से एकदम चिल एकदम ही चिल। अरे यार ये बाइक अटक क्यों रही है? प्लीज थोड़ी सी आगे जा। यार ये बाइक अटक रही है, मैं क्या करूं? एक काम करूं कि पानी के अंदर ही जंप करवा दूं? पता नहीं लॉस सैंटोस के लोगों ने जो अफवाह उड़ा रखी थी वो सच थी कि नहीं। चलो अभी पता चल ही जाएगा, पता नहीं अफवाह। ओए वेट, ओए अफवाह सच थी भाई, ये देखो तुम लोग। ओ नो, मैं क्यों कूद गया बाइक से? ओके 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 ओ ओके, पुलिस वाले मेरा पीछा करने की कोशिश कर रहे हैं गाइस पानी के ऊपर, लेकिन मुझे एक गड़बड़ पता चली है इस बाइक की। देखो गाइस ये बाइक जो है पानी पे ऑब्वियसली चलती है, लेकिन जब बड़ी लहरें आती हैं तो उससे इस बाइक को बचाना होगा, वरना ये बाइक पानी के अंदर डूब जाती है। इसके जो पानी पे चलने की जो एबिलिटी है वो कमज़ोर पड़ने लग जाती है बड़ी लहरों के सामने, तो मुझे इस चीज़ का ध्यान रखना है। बाकी वरना तो ये बाइक एकदम मज़े से आराम से बिना किसी दिक्कत के पानी पे चल रही है, बस बड़ी लहरों से बचा के रखना है। और इसी वजह से पीछे अभी मैं गिर गया था पुलिस वालों के सामने, इसी वजह से, क्योंकि जैसी कोई बड़ी लहर आई मैं सिंपली गिर गया, और इसकी जो स्पेशल पावर है भाई पानी के ऊपर चलने वाली वो काम करना बंद कर गई थी। तो इसलिए मुझे बड़ी लहरों से बचा के रखना है और सिंपली पुलिस वालों से एस्केप करते हैं। यार पानी के ऊपर भागता रहूंगा तो पुलिस वालों तो कभी जिंदगी में नहीं पकड़ पाएंगे। रफ्तार तो देखो भाई पानी के ऊपर मेरी, लेकिन हाँ बड़ी लहरें इधर आजू बाजू नहीं है, तो हम लोग अभी बिंदास जा सकते हैं। आगे ध्यान रखना पड़ेगा। ओ भाई साहब क्या जा रही है भाई रॉकेट की रफ्तार से ये पानी के ऊपर। तुम लोग देखो भाई, कोई बंदा दूर से देखेगा तो उसे लगेगा कि जेट्स की वेट्स की है, बट ये एक बाइक है जो कि है येलो हलबश्र की। क्या तगड़ी येलो हलबश्र की बाइक है यार, क्या मस्त डिजाइन विजाइन बने हुए हैं, क्या पानी पे मस्त चल रही है ये। मतलब ये अफवाह नहीं थी भाई, ये रियल था बिल्कुल। पुलिस वाले तो ना जाने कितने पीछे छूट गए। वो देखो ऊपर हेलीकॉप्टर नजर आ रहा है। ओ नहीं बड़ी लहरें आ रही है, संभाल के आराम से थोड़ा। ओके नाइस, अब एक काम करता हूँ इधर एयरपोर्ट पे निकाल लेता हूँ अपनी बाइक को, और फिर सिंपली हम लोग इसको छुपा देंगे कहीं पे। पुलिस वालों को जो स्टार्स है ब्लिंक करना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि मैं उनकी रेंज से काफ़ी ज़्यादा बाहर आ चुका हूँ भाई। उनकी रेंज में तो मैं हूँ ही नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा। ओके पुलिस वालों ने पीछा छोड़ दिया है ऑफिशियली, और अभी हम लोग आराम से पानी से बाहर निकल सकते हैं बड़ी लहरों से बच के। चलो भाई आ गए यहाँ पर ज़मीन की तरफ। ओके लेट्स गो भाई, क्या मस्त था भाई ये, कितनी आराम से मैंने पीछे छुड़ा लिया भाई पुलिस वालों से। भाई अभी तक यकीन नहीं हो रहा है मैंने पुलिस वालों से एस्केप किया इस बाइक को पानी पे चला के, पानी पे चलने वाली बाइक जो कि ज़मीन पे भी चल सकती है। यार तीनों स्पेशलिटी किसी दिन मिलेगी क्या मेरे को किसी एवेंजर की बाइक में, जिसके अंदर वो पानी पे भी चल सके, हवा में भी उड़ सके और ज़मीन पे भी चल सके। देखो अगर हवा में उड़ने वाली बाइक है
तो वो ऑब्वियसली पानी पे भी चलने वाली बाइक बन सकती है, बट हाँ तुम्हें पानी के बीच में और बाइक के बीच में थोड़ा सा अंतर रखना पड़ेगा, और बस उसको होवर करते रहो पानी के ऊपर तो बन गई पानी पे चलने वाली बाइक, बट वो काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होगा। और ये वाली बाइक बहुत ही बढ़िया है पानी पे चलने के मामले में, तुम लोगों ने खुद देखा भाई क्या एपिक तरीके से मैंने ड्राइव किया इसे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ से निकलते हैं, कहाँ से निकलूँ यार, मेरे को एयरपोर्ट से बाहर निकलने का कोई गेट ही नहीं दिख रहा है, बाउंड्री पे चलाया जा रहा हूँ कब से मैं ये बाइक। ओके फाइनली मुझे गेट दिखा, और अबे यार ये भी चलो तोड़ो। तो इसी के साथ मैं निकल चुका हूँ बाहर, ज़रा देखूँ पानी पे जो इसकी मैक्सिमम स्पीड थी 240-250 थी, ज़मीन पे इसकी मैक्सिमम स्पीड चेक कर ली जाए गाइस, देखना बनता है यार। साइड से बात है पानी पे देखते हैं स्पीड ज़्यादा थी या फिर ओह नो पुलिस वाले यहीं पे थे, गड़बड़ भागो फिर से पीछे छुड़ा के आ रहा हूँ गाइस, ज़रा चले गए शायद पुलिस वाले। और अभी हम लोग बाहर निकल सकते हैं ये टेस्ट करने के लिए कि पानी पे इसकी स्पीड ज़्यादा थी या फिर ज़मीन पे, तो ज़रा फटाफट से जल्दी से चेकआउट कर लिया जाए। ओके तो यहाँ से भगाना मैं शुरू करता हूँ, बिल्कुल सीधा रनवे है ये, चलो भाई देखते हैं मैक्सिमम स्पीड कितनी जाती है। तो मैक्सिमम स्पीड अभी आराम से इसकी 230, 240, 280, 290, 300 पहुँच चुकी है, 350, 60 के लगभग गई है गाइस। एक और ट्राई करते हैं देखते हैं क्या 400 पहुंच पाती है कि नहीं। और फिर पानी पे तो तुम लोगों को पता ही है 240 मैक्सिमम स्पीड गई थी, अगर नहीं देखा तुम लोगों ने पानी पे इसकी स्पीड कितनी थी रिवाइंड करके देखो गाइस, स्पीड देखना तुम लोग, बहुत तगड़ी स्पीड थी जब मैं पुलिस वालों से भाग रहा था। फिलहाल दोबारा से देखते हैं इसकी स्पीड ज़मीन के ऊपर, क्या 400 से ऊपर जा सकती है ये, मुश्किल ही लग रहा है भाई देखो 400 से ऊपर तो, बट स्टिल वी कैन ट्राई। 360-380 तक मैक्सिमम जा रही है और पानी पे तो चलेगी ही। फिलहाल तो गाइस तुम लोगों को आज की वीडियो बढ़िया लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। और हमें ये पता चला कि इसकी स्पीड ज़मीन पर अच्छी है 380 के लगभग, पानी पे 240 के लगभग है, ठीक है भाई ठीक है, पानी पे चल रही है इससे बड़ी क्या ही बात है। 240 तो बोट की भी नहीं होती है स्पीड, अच्छी खासी महंगी वाली जेट स्की की 240 नहीं होती है स्पीड, ये तो फिर भी एक बाइक होते हुए 240 जा रही है। बाकी वीडियो बढ़िया लगी वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, गुड बाय।